गोहाना क्षेत्र में एक बार फिर लूट हत्या जैसी वारदातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि लॉकडाउन के कारण आपराधिक घटनाओं में कमी देखने को जरूर मिली थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में छूट मिलते ही फिर से बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं और एक दूसरे के ऊपर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला गोहाना के गांव निजामपुर का है, जहां शराब के ठेके पर काम कर रहे व जेल से जमानत पर आए 26 वर्षीय परमिंदर नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते गांव के ही 2 से 3 बदमाशों ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारा है और मौके से फरार हो गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। वहीं मृतक परिजनों ने अब अपनी जान का खतरा बताते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। कल ठेका गोली मार के उसकी हत्या कर दी। गांव गए थे, एक आदमी तो पहचान मारे हैं। रंजीत जेल में था मेरा भाई, हालात में था और उस कारण आबादी का कुछ झगड़ा हो गया था। वो ठेकेदार थे, गांव में दबदबा बनाना बनाने के उसके काम नौकर दिया पूरा दबदबा था। 2-3 फरवरी को भी उन्हें मारने की कोशिश करी थी, आए थे बाहर सड़क पर तक, खेत में दाव था और आ मेरा था पूरा। तो फिर जुगर और आगे थे बैठे थे वहाँ, तो उन्हें छुटवा दिया, मारपीट हो गई। मारपीट में उन्होंने फिर मारा, फिर केस लुवा दिया उसे वह साथ क्या उनका कुछ ऐसा केस लुवा था। और जाना खतरा है जी, हमें पूरा खतरा है, पूरा लाचार रहन के दौर से पूरा खतरा है जी हमने, जिससे आपने गोली चलाई उन्होंने मारा है। हम तो अपने खेत में काम कर रहे थे, आज कल भी काम कर रहे थे हम लोग, पाइपलाइन का जोड़ लगाने का तरजे से भी खड़ा करवा था। तो आपके परिवार का भी खतरा है पूरा? हाँ जी, आपके परिवार को पूरा खतरा है? हाँ पूरा खतरा है जी। उप पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर की माने तो देर शाम को निजामपुर में शराब के ठेके पर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल शाम में निजामपुर में ठेके पे ये मर्डर हुआ है। जिनकी डेथ हुई है उनका नाम है परमिंदर, ये निजामपुर के ही रहने वाले हैं। और जो कंप्लेंट हमें FIR में कंप्लेंट दी है वो परमिंदर के भाई परवीन ने दी है। और जो बाय नेम FIR है, जो इसमें एक नाम निकल के आया है वो है जगदेव, जो है निजामपुर का रहने वाला। जगदेव के साथ एक और आदमी था बाइक पे, वो अभी उसका हम पता करा रहे हैं। ये निकल के आया है मामला कि जनवरी में जगदेव और परमिंदर की कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके रिगार्डिंग बड़ौदा थाने में एक FIR भी रजिस्टर हुई थी 323-506 IPC के अंडर, और जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हुए थे। और इसी की रंजिश चलते हुए जगदेव ने परमिंदर का मर्डर किया। जानकारी के मुताबिक परमिंदर की हत्या का कारण 6 महीने पहले हुआ झगड़ा बताया जा रहा है, जो एक मामले में फिलहाल जमानत पर बाहर हुआ था। मृतक के भाई प्रवीण ने बताया कि आज परमिंदर और वो खेत में पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे थे। जब मजदूरों ने शराब पीने की डिमांड की तो परमिंदर मजदूरों के लिए काम में बने ठेके पर शराब लेने के लिए गया था, तभी ठेके पर उसकी गोली मारकर हत्या कर डाली। बहरहाल बड़ौदा थाना पुलिस व CIA की टीम पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।